अमेज़न प्राइम वीडियो में आज मैंने फॉरेंसिक क्राइम थ्रिलर कड़ावर देखा, तो कैसा लगा ये मूवी? अगर ऑनेस्टली मुझसे कहें तो ये मूवी मुझे ऑन एन एवरेज लगा, बहुत बढ़िया लगा ये नहीं मैं बोल सकता, और मतलब बिलो एवरेज लगा वो भी नहीं बोल सकता, लेकिन ये मूवी ऑन एन एवरेज था। अगर इस मूवी के कहानी के बारे में बताया जाए, बेसिकली कड़ावर का मतलब होता है लाश, शव। तो यहाँ पे जो कहानी यही है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है भद्रा, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन एक केस के सिलसिले में पुलिस को उनका मदद लेना पड़ा, लेकिन धीरे 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 इस केस के साथ वो एसोसिएटेड हो गए डॉक्टर भद्रा। और ये केस क्या है, क्या कैसे ये सुलझता है, इस केस के अंदर भद्रा का क्या कनेक्शन है, भद्रा क्या वो प्रॉब्लम जो है, वो जो केस है उसको सॉल्व करने में कितना मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सभी चीज़ों को अगर आपको जानना है तो आपको कड़ावर मूवी देखना होगा। अगर इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए, तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, इसका स्टोरी ठीक ठाक है। सेकेंड जो पॉजिटिव पॉइंट है, एक्टिंग, अमला पॉल यहाँ पे डॉक्टर भद्रा के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भद्रा के कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किए, उनका एक्टिंग काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ साथ जो भी जितने भी सारे सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेसेस थे, सभी का एक्टिंग मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा लगा ये नहीं कहूँगा। सिनेमाटोग्राफी भी ठीक ठाक ही था, इसके साथ साथ बीजीएम भी डिसेंट था, म्यूजिक भी डिसेंट था, और पहला हाफ थोड़ा अच्छा था। अगर इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का है स्क्रीन प्ले का डेप्थ। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है इसका डेप्थ नहीं है, फर्स्ट हाफ जितना भी अच्छा है सेकेंड हाफ उसके बहुत ही ख़राब है। मतलब फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ अब जब देखना स्टार्ट करेंगे, जो लोग इस तरह का क्राइम थ्रिलर या इस तरह का फॉरेंसिक क्राइम थ्रिलर देखते हैं, उन लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, इतना प्रेडिक्टेबल इसका स्क्रीन प्ले है। और जो कैरेक्टराइजेशन है, जिस तरह से कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, उसमें कोई जान नहीं है, और हर एक कैरेक्टर को इक्वली उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, और जिस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था वो प्रॉपरली वो जस्टिस नहीं किया गया है। कैरेक्टर को सही तरह से डेवलप ना करने की वजह से इसका जो एंगेजमेंट है, ये जो स्टोरी का सेकेंड हाफ जब आ जाएगा तब आप लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले इसीलिए है क्योंकि स्क्रीन प्ले अच्छे से यहाँ पे नहीं लिखा गया, नहीं मेंटेन नहीं किया गया। इस मूवी में बहुत से ऐसा पार्ट था जहाँ पे कुछ कुछ इमोशनल सीक्वेंसेस थे, लेकिन उस इमोशनल सीक्वेंसेस को जिस तरह से लिखा गया है और डायलॉग जिस तरह का है, कोई इम्पैक्ट आपके नहीं छोड़ेगा, तो इसी वजह से ये मूवी और ज़्यादा डर लगेगा आपको। सेकेंड हाफ में ऐसे बहुत से, फर्स्ट और सेकेंड दोनों हाफ में बहुत से इमोशनल सिक्वेंसेस थे जहाँ पे और बेहतर स्क्रीन प्ले और बेहतर डायलॉग डिलीवरी हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। और क्लाइमैक्स वो बहुत ही मतलब प्रेडिक्टेबल है, उससे कई गुना बेहतर अच्छा हो सकता था, और सेकेंड हाफ एकदम बिलो एवरेज सेकेंड हाफ बनाया गया है। तो ये इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना प्रेडिक्टेबल ये स्क्रीन प्ले है, सस्पेंस सही तरह से यहाँ पे दिखाया नहीं गया। फर्स्ट हाफ कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा, लेकिन सेकेंड हाफ का पूरा एकदम क्लाइमैक्स तक इस मूवी को पूरा मतलब एकदम बिगाड़ दिया गया। अगर फिर भी आप लोग अगर ये मूवी देखना चाहते हो तो अमेज़न प्राइम वीडियो में जैसे मैंने पहले कहा वो अवेलेबल है, आप ज़रूर देख सकते हो। अगर आप ये मूवी कड़ावर मूवी देखे हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये मूवी। मैंने जैसे बोला वन टाइम वॉचेबल है, आप चाहो